dt, अब डैश नहीं आएगा क्योंकि p कर्ण का s तंत्र के सापेक्ष केवल dt था, तो dx अपॉन dt, uy का dy अपॉन dt और uz का dz अपॉन dt। मुझे निकालने सारे, अगर वेग निकालने हैं तो मुझे इन लॉरेंट्ज़ रूपांतर समीकरण को अवकलन करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष करती हूँ मैं पहले, इनका करती हूँ अवकलन। चलो लॉरेंट्ज़ समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समय दो है हमारे पास, या तो t है और t डैश है। अब हम किसके सापेक्ष अवकलन करें, t के सापेक्ष या t डैश के सापेक्ष, बताओ? t डैश के सापेक्ष करते हैं तो ये ux डैश हो जाएगा और यहाँ dx ओवर dt डैश हो जाएगा, ये क्या होगा फिर? इसको तो ux नहीं लिख सकते, dx अपॉन dt डैश तो ही ना ux होता है, dx अपॉन dt ux होता है। अगर t के सापेक्ष करें तो dx dash over dt हो जाएगा और ये dx over dt हो जाएगा, ये ux हो जाएगा लेकिन ये ux dash नहीं होगा। मैं क्या करती हूँ इनका पहले t के सापेक्ष करती हूँ अवकलन, देखो निकलेगा कैसे वो बताऊंगी। पहले मैं t के सापेक्ष कर रही हूँ, समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या निकलेगा, dx dash over dt alpha dx upon dt minus t के सापेक्ष करेंगे तो 1, ये बचेगा dx over dt तो कुछ भी नहीं होता, अल्फा dx over dt क्या होता है, ux minus equation number first डालो। दूसरा क्या, y dash, t के सापेक्ष करो, dy dash over dt और dy over, ये तो निकल गया uy लेकिन ये uy dash नहीं होगा। second डालो, z के सापेक्ष करो, dz dash over dz over, ये तो uz लेकिन ये uz नहीं हो, नोट करो पहले से। तीन का तो कर दिया, अब लास्ट बची है समीकरण का, इसको और होना ठीक है सापेक्ष करिए, इसका ठीक है सापेक्ष dt डैश ओवर dt अल्फा ठीक है सापेक्ष इसका क्या हो जाएगा, 1 + m x का करेंगे dx / dt।
ये तो कुछ नहीं होगा, वन प्लस एफ यू एक्स, ये क्वेश्चन आई आपकी फोर्थ। अब मुझे पता है ये तो यू एक्स यू वाई यू जेड और यू एक्स निकल गए, लेकिन इनका क्या करें, जो यू एक्स डैश बनाना है। अब यू एक्स डैश बनाने के लिए मैं क्या करती हूँ, पहली समीकरण का फोर्थ समीकरण से भाग देती हूँ, भाग दीजिए डी एक्स डैश ओवर डी टी और डी टी डैश ओवर डी टी, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश, और मुझे पता है डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश क्या बन जाता है यू एक्स डैश, सेम डी वाई डैश ओवर डी टी का डी टी डैश ओवर डी टी से डी टी से डी टी कैंसिल, डी वाई डैश ओवर डी टी यू वाई डैश और ये बन जाएगा यू जेड डैश, फिर क्या निकल जाएगी आपकी लॉरेंस की वेव रूपांतरण समीकरण। समीकरण चार का समीकरण एक संघ लिख देते एक दो तीन भाग देते, चलो सबसे पहले फर्स्ट वाले में ले रहे हैं डी एक्स डैश ओवर डी टी और भाग डी एक्स में डी टी डैश ओवर डी टी से डी एक्स डैश ओवर डी टी अल्फा यू एक्स माइनस बी, इसकी मान कितना है अल्फा वन प्लस एफ यू एक्स, अल्फा से अल्फा कैंसिल डी टी से डी टी कैंसिल डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश यू एक्स डैश यू एक्स माइनस बी अपॉन एफ की वैल्यू क्या होती है माइनस बी ओवर सी स्क्वायर वन माइनस बी ओवर बी यू एक्स ओवर सी स्क्वायर, ये निकला आपका एस डैश तंत्र का एस तंत्र में वेव रूपांतरण लॉरेंस समीकरण का। दूसरा dy डैश ओवर dt का भाग देना है आपको dy ओवर dt, dt से dt ये कितना u y अपॉन भाग देना है उससे अल्फा वन प्लस f u x, ये कितना बचा u y डैश
क्या नोट अब देखो कैलिलियन की रूपांतर समीकरण थी वो थी लॉरेंस की रूपांतर समीकरण कब काम करती है जब तंत्र का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है तब लॉरेंस काम करता है और तंत्र का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है तो कैलिलियन काम करता है। अब मैं इसमें दोबारा वही कंडीशन लगा रही हूँ अगर तंत्र का वेग प्रकाश के वेग से कम हो तो मतलब ये रूपांतर समीकरण लॉरेंस की किसमें कन्वर्ट हो जानी चाहिए कैलिलियन की वेग में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। लगाइए अल्फा लेस देन बी मतलब बी स्क्वायर अपॉन सी रुक जाओ सुन लो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए जीरो हो जानी चाहिए जीरो पहले में रखते हैं बी अपॉन सी स्क्वायर जीरो क्या बचेगा वन यू एक्स डैश किसके बराबर आएगा यू एक्स माइनस वन कन्वर्ट हो गया कैलिलियन में इधर आ जाओ ये जीरो यहाँ वन ये जीरो ये वन यू वाई डैश किसके बराबर आएगा यू वन कैलिलियन में कन्वर्ट से चला जीरो जीरो वन वन यू जेड डैश किसको से भी प्रूव हो गया कि अगर तंत्र का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है तो लॉरेंस की वेग रूपांतरण समीकरण गैलीलियन के वेग रूपांतरण समीकरण में क्या हो जाता है लिखिए यदि जब तंत्र का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है तंत्र का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है तब लॉरेंस की वेग रूपांतरण समीकरण लॉरेंस की वेग रूपांतरण समीकरण कैलिलियन की वेग रूपांतरण समीकरण में परिवर्तित हो जाती है अब एक और बचा है त्वरण रूपांतरण सेम त्वरण में काम होना है यही कंडीशन आएंगे गैलीलियन के त्वरण रूपांतरण आए थे बराबर ही आया था उसका मतलब दोनों तंत्रों के अंदर त्वरण समान रहता है अगर हम प्रकाश का वेग इसके तंत्र का वेग प्रकाश के वेग से कम लेंगे तो लॉरेंस की जो रूपांतरण समीकरण है त्वरण के वो किसमें कन्वर्ट होने से हम गैलीलियन के त्वरण ठीक है पहले लॉरेंस का त्वरण निकालिए टाइम कितना सुबह निकलेगा तो नहीं निकालेंगे कैसे तो ये बता दो जो आपके बीच रूपांतरण समीकरण निकले हैं उनका फिर दोबारा आप कलन कर लेंगे समय के साथ फिर आपके निकलेंगे जो समीकरण उनको बोलेंगे त्वरण रूपांतरण और ax डैश हो गया वो dux डैश अपॉन dt डैश होगा डैश वाला डैश में समय का समय और बिना डैश वाले आपके बिना डैश में समय चलेगा। चलो करते हैं स्टार्ट कर कितना हो गए b u x डैश अपॉन b
डैश वाई डैश किसके बराबर होगा, डी वाई डैश ऊपर डी टी डैश, ए जेड डैश किसके बराबर होगा, डी जेड डैश ऊपर तो एस डैश के लिए होगा। और लॉरेंस की एक पात्र को निकल